बेरोजगारी आज के दिन में देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से एक युवा बेरोजगार बैठा है। एम्प्लॉयमेंट रेट 29.1 पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में से जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। सवाल यहां पर उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? 140 करोड़ लोगों का ये देश और इतने सारे लोगों को दाल चावल आटा जाने क्या क्या नहीं चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है विदेशी कंपनियों की, यहां आकर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा जाती है। जिनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ चीनी और सोडा वाला रंगीन पानी बेचती हैं। पेप्सी को देखा जाए तो उसका ईयरली रेवेन्यू 8000 करोड़ है, कोका कोला का रेवेन्यू वहीं पर 12800 करोड़ है और देश के युवा को 11800 की नौकरी तक नहीं मिल रही। इस वीडियो में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को गहराई से समझते हैं और दोस्तों क्या है इसके पीछे की रूट कॉज और क्या है इसका सोल्यूशन। सबसे पहले सरकार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब देने की प्रॉमिस की, लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल की माने तो उन्होंने ये वादा कभी नहीं किया था। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, ये एड दोस्तों बीजेपी हरियाणा ने चलाई थी। पिताजी ने हमेशा पढ़ाने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली, विकास हो तो ही नौकरी निकले ना, इब बस इब जाग उठा हरियाणा। मुझे बड़ा ही दुख होता है बताते हुए दोस्तों, इन्होंने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। दिसंबर 2022 के डाटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट 37.4 पर है, यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहां है। लेकिन बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जगह जगह जाकर बार बार जॉब्स का वादा किया था जो कि अब तक कभी पूरा नहीं हुआ। न्यूज चैनल वालों को ये 7 साल पुरानी क्लिप भी देखनी चाहिए जहां प्रधानमंत्री 1 बिलियन नौकरी बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि न्यूज़ चैनल्स को ये झूठ भी सबको दिखाना चाहिए? पर वो ये कभी नहीं करेंगे। कोविड के बाद 2023 इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन बताता है कि कई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अपनी नौकरियां खो चुके हैं। मार्च के क्वार्टर में इंडिया के आईटी सेक्टर में जून 2023 में 11000 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप अलायंस को ले ऑफ किया गया। अगस्त 2023 ले ऑफ का सुनामी था और टेक कंपनीज ने 2 लाख से ज्यादा अलायंस को फायर किया। देश में ज्यादातर कंपनीज का यही फंडा है, नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट मत करो क्योंकि उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, उनकी जगह जो अभी के एम्प्लॉयज हैं उनका तेल निकालो। अगर ऐसा लगे कि अभी के एम्प्लॉयज ज्यादा ओवर वर्कर नहीं है तो कॉस्ट कटिंग के नाम पर उनको निकाल दो। दुनिया भर में कई कंपनीज यही कर रही हैं। अमेज़न के पहले 3 महीनों में 27,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला गया। ऐसा नहीं है कि किसी को स्किल्स की कमी होने की वजह से नौकरियां नहीं मिल रही, बहुत सारे स्किल लोग हैं। देश की प्रॉब्लम ये है कि नौकरियों की कमी है। फरवरी 2023 में आरएएस के चीफ मोहन भागवत ने एक पब्लिक फंक्शन में बताया कि हर कोई नौकरियों के पीछे भागता है, सरकारी नौकरियां सिर्फ 10% है, बाकी नौकरियां 20% के अराउंड है। दुनिया भर में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो 30% से ज्यादा नौकरियां क्रिएट कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये भी कहा था कि पकौड़े बेचना भी एक एम्प्लॉयमेंट का तरीका है। अगर आप पकौड़े बेचते हैं और शाम को 2 रुपए भी कमा कर घर जाते हैं तो क्या आप उस व्यक्ति का वो रोजगार मानेंगे या नहीं? नौकरियों की सख्त कमी है, लेकिन कम से कम जितनी है उतनी तो वैकेंसीज फिल करो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 99.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में 60 लाख से ज्यादा जॉब की वैकेंसीज रिपोर्ट करी गई हैं। स्कूलों से लेकर कोर्ट से लेकर पुलिस से लेकर मिनिस्ट्री तक हर जगह वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। दूसरा, एजुकेशन पर सख्त फोकस करना जरूरी है। वहीं गैस सिलेंडर और तेल का प्राइस तो ऊपर चला गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाम पर सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया है। अगर सही में जॉब क्रिएट करनी है तो देश में कभी भी आप सरकार के भरोसे मत बैठिए। आप सोच रहे होंगे कि सरकार एक दिन एक्शन लेगी और आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन शायद ये कभी नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, एक आप ही हो जिसे कुछ करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में कोई स्किल सीखिए, क्योंकि सीखने से ही आप किसी काम के लायक बन पाओगे और आज नहीं तो कल वो स्किल आपके काम जरूर आएगा।